तारीख 26 नवंबर 2008, मुंबई की वो काली रात जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कौन भूल सकता है वो कसाब और इस्माइल की गोलियों के निशान? कौन भूल सकता है वो सिरहन जो आज भी ताज होटल के सामने से गुजरते वक्त होती है? लेकिन उस घटना के बाद से देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और हाई फाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। मुंबई हमले के बाद ऐसी घटनाओं से बचने के अधिकारी तौर तरीके सीखने में लगे तो प्रशासन खुद को चुस्त और दुरुस्त बनाने में। लेकिन आज भी सुरक्षा के हालात कैसे हैं, ये इन तस्वीरों को देखकर पता चल जाएगा। अफसोस होता है कि इतने हमलों के बाद भी सुरक्षा धरी की धरी रह जाती है। क्या वाकई स्टेशनों पर सुरक्षा है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारे देश के अन्य क्षेत्रों में इस घटना से सीख लेके सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। आज इसी की पुष्टि हम करेंगे लखनऊ के इस चारबाग रेलवे स्टेशन पे। हम यहाँ पर जायजा लेंगे कि आज क्या हमारा चारबाग रेलवे स्टेशन किसी आतंकी घटना को बचाने के लिए तैयार है। ये जगह लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन है। वक्त दोपहर के 12 बजे है जब हमारी टीम चारबाग स्टेशन पहुंचती है। फिल्मी अंदाज में हमारा रिपोर्टर एक आर्टिफिशियल पिस्टल लगाता है और बेधड़क बेखौफ होकर सीधे स्टेशन में दाखिल हो जाता है। स्टेशन पर जाते वक्त ना तो कोई सिपाही उसकी चेकिंग करता है और ना ही वहां लगा मेटल डिटेक्टर उसे पकड़ पाता है। इतना ही नहीं, वो करीब 1 से 1.5 घंटे तक वहीं घूमता है, लेकिन इस दौरान भी ना तो कोई जवान उससे सवाल पूछता है और ना ही वहां लगे सैकड़ों सीसीटीवी उसको कैद कर पाते हैं। गौर करने वाली बात है कि ये सुरक्षा व्यवस्था उस रेलवे स्टेशन की है जहां रोजाना 30,000 यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में यहां पर हमेशा भीड़ रहती है। प्रदेश की राजधानी के मुख्य रेलवे स्टेशन होने के नाते आतंकियों के भी इस स्टेशन पर नजर रहती है। कई बार तो देश में आतंकी हमलों के दौरान यहां पर अलर्ट भी जारी किया गया। उसके बावजूद जो तस्वीर निकल कर आई उससे यही लगता है कि यह स्टेशन राम भरोसे है। कि हमलों की जहां तक बात है वो तो होते रहे हैं और होते रहेंगे, उन्हें रोकना असंभव तो नहीं है लेकिन काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर हम सब लोग जागरूक रहें तो उस पर रोक लग सकती है। जागरूकता का मतलब क्या है? मतलब का मतलब ये है कि जैसे कोई सस्पेक्ट हमें नज़र आ रहा है तो हमें जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं इनको इन्फॉर्म करना चाहिए या हमें इंटरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई ऐसा है तो अगर हम उससे बात करेंगे तो वो अपना पकड़ में आ सकता है। हाँ, मैं सवाल ये है मेरा कि जो हमारी एजेंसीज़ हैं जो ये काम करती हैं या पुलिस वाले या जीआरपी हैं, क्या आप मानते हैं कि उनकी सक्रियता इतनी है कि वो ऐसे आतंकी हमले को लखनऊ में रोका जा सकता है अगर कोई प्लान करे तो? मुझे इस पर डाउट है। डाउट है आप? यस। आप अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे? देखिए, अब राम राज्य है, राम भरोसे सब है, तो भगवान के भरोसे सभी सुरक्षित हैं। अदरवाइज जिस लेवल का होना चाहिए मैं समझता हूँ वैसा नहीं है। किसी को क्या मालूम जी, कोई जांच नहीं। हाँ, अवैध असलहे की बात है, हो सकता है मेरे पास भी हो जी। मैं 1.5 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। आप टोटली फेल मान रहे हैं एक तरीके से अगर देखा? बिल्कुल, कोई वैसा मेटल डिटेक्टर या वैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है जो कोई चीज़ उसको रोक सके। हमारी टीम जीआरपी थाने में घुसी लेकिन वहां पर भी किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर हथियारों के साथ पहुंचना और आम लोगों पर हमला करना कितना आसान है। चारबाग तो सेंसिटिव है ही, हमारे लिए प्रदेश की राजधानी है और यहां से पर डे लगभग 25-30 हज़ार लोग निकलते हैं। उसके लिए एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे हमने चेकिंग लगा रखी है। डीएफएमडी लगे हुए हैं, आरपीएफ के जवान, जीआरपी के जवान जॉइंटली उसमें वर्क करते हैं और स्टेशन को चेक भी कराते हैं बीडीएस टीम द्वारा, ताकि ऐसे कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, वस्तु हो उसके पास, तो उस पर हम लोग जी समय से पहले उसको डिटेक्ट कर सकें और कार्रवाई कर सकें। तो कह सकते हैं कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं हुई है। भले ही सुरक्षा मजबूत करने के दावे किए जाते रहे हों,
लेकिन इन दावों पर कितना अमल हुआ है वो ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं। ये बता रही हैं कि आतंकियों को खुली छूट है कि वो जब चाहें जिधर चाहें हमला कर दे। हम तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के दावे करते हैं, अमल करने से हमारा कोई नाता नहीं है। लखनऊ से ईटीवी के लिए प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट।